हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है फ़ोन रीस्टार्ट कैसे करें और रीस्टार्ट हम क्यों करते हैं वो बता दी थी पहले। फ्रेंड्स, हम रीस्टार्ट फ़ोन तब करते हैं जब आपका फ़ोन हैंग कर रहा हो या फिर आपका मतलब कि स्लाइड नहीं हो पा रहा है, पर कोई भी प्रॉब्लम होता है फ़ोन में, तो हम एक दो बार वैसे रीस्टार्ट कर देना चाहिए फ़ोन, जिससे कि हैंगिंग प्रॉब्लम से बचा रहता है। और फ्रेंड्स, हम रीस्टार्ट कैसे करते हैं वो बताऊँगी। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर पहली बार है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। और रीस्टार्ट का अर्थ होता है कि फ़ोन को स्विच ऑफ हो जाता है आपका, और स्विच ऑफ होकर ऑटोमेटिक ऑन होगा, यानी कि आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप पावर ऑफ़ कर देते हैं और उसके बाद ऑन करने के लिए आपको कुछ फिर आपको मतलब कि पावर बटन को ही प्रेस करके रखना होता है, फिर आपका ऑन होगा, फिर आप ऑफ़ करेंगे। तो सच आप रीस्टार्ट करें, रीस्टार्ट में आपका आप तो ऑफ़ करेंगे ही, पर आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो कैसे करते हैं वो बताएंगे, ये शुरू करते हैं। आपको इधर दिखेगा पावर बटन, आप उसको प्रेस करके रखेंगे इस प्रकार से, एंड प्रेस करके रखने के बाद आपको इधर आएगा ऑप्शन रीस्टार्ट। जब तक ऑप्शन नहीं आता, आप उस पर क्लिक प्रेस करके रखें इसको बटन को, एंड उसके बाद ऊपर की साइड दबा कर देंगे रीस्टार्ट पर, और आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है। और अभी देखेंगे आपका ऑटोमेटिक ऑन होगा। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर सकते हैं और हैंगिंग प्रॉब्लम से मतलब बचा सकते हैं। इससे हैंग जो आपका हैंग होता है तो इससे सॉल्व होगा रीस्टार्ट करने से। तो यहाँ देख सकते हो ओपन हो चुका है, और सेकेंड लगते हैं इसे ओपन होने में, तो अभी थोड़ा और सेकेंड लगेंगे। और इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन का रीस्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, सभी फ़ोन में इसी प्रकार से रीस्टार्ट करते हैं। यहाँ देख सकते हैं ऑटोमेटिक ऑन होने वाला है अभी। फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं ओपन हो चुका है, और उसके बाद अगर आपने स्क्रीन लॉक लगा रखी तो उसको ड्रॉ करेंगे, और आप यहाँ देख सकते हैं एकदम फ्लैश और लिखा हुआ एकदम साफ नज़र आ रहा होगा आपको। तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में और हैंग मतलब कि हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रीस्टार्ट कर सकते हैं फ़ोन का। फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।